नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। गंडकी प्रदेश सभा के चालू अधिवेशन अंत, लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लियावे के तैयारी। भारत के पश्चिम बंगाल में होने वाला निर्वाचन खातिर नेपाल के पूर्वी नाका सील, आज सवेरे से 72 घंटा खातिर आवागमन में पूर्ण रोक। तराई के जिला सब में हर्षोल्लासपूर्वक आज जोड़ शीतल पवनी मनावल जा रहा। हर साल वैशाख दुगते विशेष महत्व के साथ मनावे के चलन। लिवरपूल के हरावत रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश, फाइनल प्रवेश खातिर मैड्रिड चेल्सी के सामना करी। अब पूरा समाचार। गंडकी प्रदेश सभा के चालू अधिवेशन अंत भइल बा। मुख्यमंत्री पृथ्वी सुबा गुरुंग के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन काल्हू रात 12 बजे से लागू होखे वाला हिसाब से अधिवेशन अंत कैनी हा। अधिवेशन अंत भइल सूचना आ पहुंचल प्रदेश सभा सचिवालय जनौले बा। मुख्यमंत्री गुरुंग अविश्वास के प्रस्ताव छले खातिर अधिवेशन अंत के सिफारिश कैल बुझल गइल बा। गंडकी प्रदेश के विधिक अधिवेशन बीतल चैत 25 गते शुरू भइल रहे। 3 दिन चलल प्रदेश सभा बैठक वैशाख 6 गते खातिर स्थगित कैल गेल रहे, लेकिन राजनीतिक खिंचातानी के बीच अपना विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आवे के भइला बाद मुख्यमंत्री अधिवेशन अंत खातिर सिफारिश कैले रहने। वही लिखा लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लियावे के तैयारी कैल गेल बा। अविश्वास के प्रस्ताव लियावे के विषय में कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र के बीच छलफल हो रहल बा। लुम्बिनी में दल सब के बीच आंतरिक छलफल तेज भइल बा। बिहान तक प्रस्ताव लियावे के तैयारी हो रहल बतावल गेल बा। भारत के पश्चिम बंगाल में होखे वाला निर्वाचन खातिर पूर्वी नाका सील कैल गेल बा। आज सवेरे से 72 घंटा खातिर सीमा सील कैल गेल हा। पश्चिम बंगाल में वैशाख 4 गते निर्वाचन हो रहल बा। ओ निर्वाचन के लक्षित करत काकड़भिट्टा आ भद्रपुर नाका सील कैल गेल हा। प्रमुख जिला अधिकारी श्रवण कुमार तिमसेना आज सवेरे से वैशाख 4 गते 6 बजे तक खातिर सीमा नाका सील कैल गेल बतौले बानी। ओ समय में यातायात आ आदमी के आवाजाही करेला पूर्ण रूप से रोक लगावल गेल बा। भारत में कोरोना संक्रमण के दर बढ़ते गेला बाद सीमा जुड़ल जिला बांके प्रभावित भइल बा। कर्णाली सुदूर पश्चिम आ लुम्बिनी प्रदेश के प्रवेश द्वार के रूप में रहल नेपालगंज भंसार नाका से दैनिक हजारों के संख्या में नेपाली सब स्वदेश लौटे लगला बाद कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ गेल बा। भारत में कोरोना संक्रमण के दर उच्च होते गईला बाद सीमा जुड़ल जिला बाके में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ल बा। बाके में दैनिक संक्रमित के संख्या दोबर होके लगला बाद भेरी अस्पताल संक्रमित के व्यवस्थापन करे खातिर समस्या झेल रहल बा। अस्पताल में रहल कोरोना विशेष वार्ड में 142 बेड मात्र रहला से कुछ दिन में ही संक्रमित भरे के जनावल गईल बा। एक हफ्ता को मात्र ट्रेन हे यो एक हप्ता भन्दा अगाडि हामीसँग एकदमै 12-15 जना मात्रै बिरामीको यसो एडमिट हुने यस्तो भइरहेको थियो, बिरामीको चाप थियो भने अहिले एक हप्ता यता आउनुभयो भने यति धेरै चाप बढिरहेछ कि द्रुत गतिले। अहिले भएको विद्यमान हामीसँग हाराहारी 142 जना हामी कोभिड आइसोलेसनमा राख्न सक्ने गरेर बेडको क्षमता भए तापनि अब यही गतिमा वृद्धि हुँदै गयो भने यो थेग्न सकिने या नसकिने एकातिरको चुनौती छ। पहिलका चरणमे डाक्टर सबके कोरोना से सामना करे खातिर कुछ असहज भइला पर भी अभिन कोरोना से लड़े के खातिर स्वास्थ्य कर्मी सब मानसिक रूप में तैयारी अवस्था में रहल भेरी अस्पताल जनौले बा। लेकिन संक्रमित राखे खातिर बेड के अभाव होखे के अस्पताल के कहनाम बा। हामी त्यति धेरै चाहिँ यो तयारी अवस्थामा चाहिँ थिएनौँ। पहिला मेन कुरो भन्नुपर्दा एकासी आयो रोग होइन, एकैचोटि त तयारी पनि गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने, यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी गाह्रो चाहिँ थियो। हामी धेरै खटाइमा परेका थियौँ भने अहिले चाहिँ हामीले केही हिसाबमा अब सिकिन आउँछ भन्ने हिसाबमा केही तयारी पनि हाम्रा भाका त हुन्। एने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाके सिमानाका से आवेला नेपाली सबके सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कैला पर भी नेपाल प्रवेश कैला के बाद में ओकर प्रभावकारिता नहीं खे देखल गईल। बाके के निमित्त प्रमुख जिला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय कोरोना के ग्राफ बढ़ला संगे ही बीतल बरस संचालन में आयल सब कोविड अस्पताल सब फिर संचालन के खातिर निर्देशन कर चुकल बताउले बानी। जति बेला पनि संक्रमण दर बढ्न सक्छ स्थानीय तहमा, अब इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूको पनि प्रेसर बढिरहेको अवस्था छ भन्ने भएर साबिकमा सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टाइन आइसोलेसन केन्द्रहरू
चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्नु होला भनेर हामी अनुरोध गरी पठाएका छौँ सबै स्थानीय तहलाई। बाँकेमै कोरोना संक्रमित भइल मध्ये 4,720 जने डिस्चार्ज हो चुकल बा। उसै जिल्ला अरू जिल्ला बाहर करके 149 जनेके मृत्यु भइल बा। बाँके से रविन्द्र सिंह ठकुरेके रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। तराई के जिला सब में हर्षोल्लास पूर्वक आज जूड़ शीतल पवनी मनावल जा रहल बा। नया वर्ष के आगमन संग ही हर साल वैशाख दुगते ई पवनी विशेष महत्व के साथ मनावल जाला। सवेरे ही अपना से बड़का लोग के मुड़ी में पानी थाप के आशीर्वाद ग्रहण करके खाना के विभिन्न परिकार खा के ई पवनी मनावल जाला। थारू समुदाय में सिरुआ के नाम मनावे वाला ई पवनी में सामाजिक सद्भाव भाईचारा आदर्श एवं संबंध विस्तार कैल जाला। सिरुआ पवनी के अवसर में घर अंगना साफ करे के पौधा में पानी राखे के साथ ही पाकी फेकल वातावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानल जाला। सिरुआ पवनी में देवी देवता के भात आम के चटनी खाना के परिकार दूध दही इत्यादि चढ़ावल जाला। पूजा कैला बाद रात में खाना ना बनावे के आ चूल्हे के एक रात आराम देवे पड़े के धार्मिक मान्यता बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय गुलमी आज एक दिन खातिर बंद कर गेल बा। चार जने कर्मचारी के दुर्घटना में पड़के मृत्यु भयल शोक में आज कार्यालय पूर्ण रूप में बंद कैल प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पंथी बतौले बानी। साथ ही अत्यावश्यक के अलावा पांच दिन खातिर बंद करे के निर्णय कैल पंथी बतौले बानी। गुलमी से नया बरस मनावेला स्वर्गद्वारी जाए के क्रम में लू एक जा सूर्य 55 नंबर के जीप प्यूठान के स्वर्गद्वारी नगर पालिका 3 रुमाली में दुर्घटना भइला बाद मुसीकोट नगरपालिका 3 के ड्राइवर 22 वर्ष के केशव कार्की रेसुंगा नगरपालिका 7 के 35 वर्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर सूर्य पंथी के मृत्यु भइल रहे। वही लिखा मुद्दा शाखा के धुरकोट 7 निवासी 36 वर्ष के ईश्वर भंडारी प्रशासकीय अधिकृत स्यांगजा निवासी 38 वर्ष के श्याम निपानी आ खरीदार मालिका गांव पालिका 7 निवासी 35 वर्ष के यमलाल पंथी के मृत्यु भइल रहे। जीप में सवार 17 मध्य 12 जने घायल भेल बाड़न सन। घायल 7 जने के काठमांडू में इलाज चल रहल बा। अब आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सीमेंट सबै भन्दा स्तरीय सीमेंट आज सोना के दाम तोला में 300 रुपया से बढ़ल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 89,800 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बुध के छापा वाला सोना प्रति तोला 89,500 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 89,350 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। चांदी के दाम तोला में 30 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,290 रुपया में कारोबार हो रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,743 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। लिवरपूल चैंपियंस लीग फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल से बाहर भइल बा। दोसरका लीग अंतर्गत बुध के रात भइल खेल में गोलरहित बराबरी कैल लिवरपूल स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड संगे समग्र में 3-1 से हरौला खा। ब्रह्मा टोली रियल मैड्रिड अभी मैदान में भइल दोसरका लीग में गोल करे ना सकला बाद भी घरेलू मैदान में भइल पहिलका लीग में 3-1 जीत दर्ता कैले रहे। इस सीजन में लिवरपूल खासे निमन प्रदर्शन नइखे कर सकल। प्रीमियर लीग में छठा स्थान में रहल लिवरपूल चौथा स्थान की टीम से 3 अंक से पीछे बाटे। लिवरपूल के स्तब्ध कैल रियल मैड्रिड फाइनल प्रवेश खातिर सेमीफाइनल में चेल्सी के सामना करे वाला बाटे। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लगातार दोसर का जीत निकालले बा। चेन्नई में कालहू रात भइल खेल में सनराइजर्स हैदराबाद के 6 रन से हरावत बैंगलोर लगातार दोसर का जीत निकाल रखा।
एमए चिदम्बरम स्टेडियम में बैंगलोर से दिहल 150 रन के लक्ष्य पीछा करत हैदराबाद 20 ओवर में 9 विकेट गवावत 143 रन ही बना सकल। हैदराबाद खातिर कप्तान डेविड वार्नर 54 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खेलला पर भी टीम के जितावे ना सकलन। ओही लेखा मनीष पांडे 38 रन जोड़ला पर राशिद खान 17 रन बनौले रहलन। जोनी बेयरस्टो 12 रन में आउट भेलन। बैंगलोर के शाहबाज अहमद 3 आ मोहम्मद सिराज 2 विकेट लेलन। इससे पहले टॉस हार के पहले बैटिंग कैल बैंगलोर 20 ओवर में 8 विकेट गवावत 149 रन बनौले रहलन। बैंगलोर खातिर ग्लेन मैक्सवेल 59 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खेलन। उल्लेखा कप्तान विराट कोहली 33 रन जोड़लन। शाहबाज अहमद 14 तथा देवदूत पड़िकल 11 रन बना के आउट भेलन। हैदराबाद खातिर जासन होल्डर 3 विकेट लेलन। राहिद खान 2 आ भुवनेश्वर कुमार शाहबाज नीदम आ टी नटराजन 1-1 विकेट लेलन। जीत संगे बैंगलोर लीग के शीर्ष स्थान में आ गेल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। गंडकी प्रदेश सभा के चालू अधिवेशन अंत। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लियावे की तैयारी। भारत के पश्चिम बंगाल में होने वाला निर्वाचन खातिर नेपाल के पूर्वी नाका सीन आज सवेरे से 72 घंटा खातिर आवागमन में पूर्ण रूप से रोक। तराई के जिला सब में हर्षोल्लास पूर्वक आज जोड़ शीतल पवनी मनावल जा रहा। हर साल वैशाख दुगति विशेष मौतों के साथ मनावे के चलन। लिवरपूल के हरावत रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश। फाइनल प्रवेश खातिर मैड्रिड चेल्सी के सामना करी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक हमनी के वेबसाइट janatasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।